वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटी। कंपटीशन कम्युनिटी में आपका फिर से स्वागत है। कंपटीशन कम्युनिटी आपके लिए लेकर आया है सीजीपीएससी की एक फ्री टेस्ट सीरीज जो कंपटीशन कम्युनिटी दुर्ग में आयोजित की जाएगी। साथ ही साथ आपके लिए साल भर के करंट अफेयर भी कंपटीशन कम्युनिटी दुर्ग में निःशुल्क करवाए जाएंगे, जिसके लिए छत्तीसगढ़ और नेशनल करंट अफेयर के जो दिन है वो डिसाइड किए गए हैं कुछ इस प्रकार से कि जो आपका राष्ट्रीय करंट अफेयर है वह होगा 11 और 12 जनवरी को कंपटीशन कमिटी दुर्ग में, और वैसे ही छत्तीसगढ़ से संबंधित जो योजनाएं हैं उसकी क्लासेस होंगी 15 और 16 जनवरी को। ये जितनी भी क्लासेस मिलेंगी आपको राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ की करंट अफेयर क्लासेस, ये दोनों जो है क्लासेस ये आपके लिए निःशुल्क रहेंगी। साथ ही साथ कॉम्पिटिशन कमिटी दुर्ग में आपके लिए सीजीपीएससी प्रीलिम्स की फ्री ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आयोजित की जा रही है। फ्री ऑफलाइन, याद रखिएगा, ऑनलाइन तो फ्री है कंपटीशन कमिटी के ऐप पर, बट कंपटीशन कमिटी दुर्ग में आकर अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको 14 जनवरी से 6 फरवरी तक होने वाली टेस्ट सीरीज आपको फ्री प्राप्त होगी। आइए कुछ जानकारी आपको मैं ये सीजीपीएससी प्रीलिम्स फ्री ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में दूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर किए जाएंगे और कौन कौन सा दिन इसमें निर्धारित किया गया है। अगर दिन के बारे में हम अगर देखें तो यहां पर 14 जनवरी को जो संडे है, रविवार के दिन जनरल स्टडीज का पेपर रहेगा, कंप्लीट जीएस वन का पेपर 14 जनवरी को यहां पर रहेगा। 14 जनवरी को आपका पहला पेपर होगा। ये बिल्कुल निशुल्क है, याद रखिएगा, बिल्कुल निशुल्क है। बस आपको कंपटीशन कमिटी दुर्ग में आकर रजिस्ट्रेशन करवाना है और ये टेस्ट आप दे सकते हैं। तो पहला पेपर होगा 14 जनवरी को संडे को, सामान्य अध्ययन का, जनरल स्टडीज का, कंप्लीट जीएस का पहला पेपर। साथ ही साथ 17 जनवरी को, इसके बाद जो है अगला डेट 17 जनवरी, अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा तो मैं आपको बता दूं, 17 जनवरी को सीसेट का पेपर होगा 3 दिन बाद। फिर आपका 21 तारीख को फिर से जीएस का पेपर है। 21 जनवरी को आपको जीएस का फिर से एक पेपर, कंप्लीट जीएस का पेपर आपको टेस्ट देने मिलेगा। उसी के साथ साथ फिर सीसेट, जीएस और सीसेट, इस प्रकार से अगर आप देखें तो 14, 17, 21, 24, 28 और 31 इन दिनों तक आपको सामान्य अध्ययन जो जीएस जनरल स्टडीज के पेपर हैं और साथ ही साथ सीसेट का टेस्ट आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो कंप्लीट जो एग्जाम का जो सिलेबस है उस पर आधारित एक कंप्लीट टेस्ट का आयोजन होगा 2 फरवरी को सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र 1, उसके बाद यहां पर 4 फरवरी को जनरल स्टडीज और 6 फरवरी को भी जनरल स्टडीज का यहां पर पेपर आपको देखने मिलेगा। क्लियर है? जैसे आपकी ओरिजिनल परीक्षा होती है सीजीपीएससी की जो आप देंगे, वैसा ही एक अनुभव आपको यहां पर मिलेगा। क्लियर है? तो पहले आपका यहां पर जीएस का पेपर होगा प्रथम पाली में, समय भी यहां पर बता दिया गया है 10 से 12 पहली पाली में एक पेपर होगा, और उसके बाद 1 से 3 आपका सी सेट का पेपर होगा। ऐसे 2 पेपर आपको एक दिन में 2 फरवरी, 4 फरवरी और 6 फरवरी को देखने मिलेंगे। क्लियर है यहां तक चीजें? ये सिलेबस जो है इसे आप कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के ऐप में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। याद रखिएगा, ये जो टेस्ट सीरीज है कंपटीशन कमिटी दुर्ग में इसे फ्री किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। और इस टेस्ट सीरीज का लाभ लेने के लिए आपको कंपटीशन कमिटी दुर्ग के ऑफिस आना होगा और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद 14 जनवरी से आप यह टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो जानकारी है, उस जानकारी में एक निशुल्क करंट अफेयर की एक फ्री क्लासेस भी सभी बच्चों के लिए, याद रखिएगा, ये सभी बच्चों के लिए है जो दुर्ग में, दुर्ग के आसपास के क्षेत्रों के लिए, उन सभी बच्चों के लिए फ्री करंट अफेयर की क्लासेस रखी गई है। ये फ्री करंट अफेयर की क्लासेस, जैसे मैंने बताया आपको, 11 और 12 को राष्ट्रीय नेशनल करंट अफेयर आप पढ़ेंगे और साथ ही साथ 15 और 16 जनवरी को आपकी छत्तीसगढ़ की करंट अफेयर क्लासेस होंगी, जिसमें आपको संपूर्ण पूरे 11 बजे से पूरी क्लासेस आपको यहां पर मिलेंगी, जो साल भर के करंट अफेयर आपको इसमें करवाए जाएंगे। अब ये करंट अफेयर क्लासेस किस टाइप की होंगी, क्या क्या जानकारी आपको मिलेगी, उसको हम देखते हैं। देखिए,
करंट अफेयर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जैसे कि आप देखेंगे अभी चुनाव हुए, 5 राज्यों में चुनाव देखने को मिले, तो 5 राज्यों से जो चुनाव हुए उसमें आपके क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा करते हुए एक एक पॉइंट को हम समझेंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं और कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं उसको भी हम समझेंगे। आप अगर ये 2 दिन की क्लासेस करते हैं तो ये 2 दिन की क्लासेस में आप मानकर चलिए कि एग्जाम के लिए आपके लिए संपूर्ण तैयारी हो जाएगी और ये करंट अफेयर जो है आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। क्लियर है यहां तक चीजें? तो जानते हैं कुछ जानकारियों के बारे में। जैसे कि हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की, अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए और 5 राज्यों में हमारे छत्तीसगढ़ भी इसमें शामिल था। छत्तीसगढ़ में हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए थे और हमारे यहां छत्तीसगढ़ में मतदान की 2 तारीखें यहां पर निर्धारित की गई थी, एक था 7 नवंबर और एक था 17 नवंबर। याद रखिएगा ये डेट आजकल पूछे जा रहे हैं, पहले ऐसा होता था कि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बनते थे, डेट नहीं पूछे जाते, बट डेट पर भी अब प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ में कितने चरणों में चुनाव हुआ, तो आप बताएंगे 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव हुआ। इसके अलावा जो काउंटिंग हुई, मतगणना हुई, तो मतगणना हुई थी 3 दिसंबर 2023 को मतगणना हुई, और मतगणना में जो रिजल्ट जारी किया गया कि कौन सी पार्टी को बहुमत मिला, तो उसमें जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी को 54 सीटें हासिल हुई, और 54 सीटें हासिल कर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाई। इसके अलावा अगर कांग्रेस के बारे में अगर पूछा जाए तो उन्हें 35 सीटें प्राप्त हुई और अन्य को 1 सीट प्राप्त हुई। क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अन्य जो 1 सीट मिली है इस पार्टी का नाम क्या है और पार्टी से जीतने वाले विधायक कौन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लियर है? ठीक। इसके अलावा अगर हम देखें कि भाई जब बीजेपी की शपथ की अगर बात करें कि भाई बीजेपी गवर्नमेंट जब सरकार बनी तो उसने शपथ कब लिया, तो 13 दिसंबर 2023 को यहां पर इन्होंने शपथ लिया। क्लियर है? अब जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भाई इस पूरे चुनाव में, छत्तीसगढ़ में हुए चुनाव में 90 विधानसभा सीट के जो चुनाव हुए उसमें मुख्यमंत्री कौन बने, तो मुख्यमंत्री बने विष्णु देव साय मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा इस बार विशेष यह रहा कि हमारे यहां छत्तीसगढ़ में 2 उपमुख्यमंत्री बनाए गए। 2 उपमुख्यमंत्री में पहले हैं विजय शर्मा और दूसरे उपमुख्यमंत्री हैं अरुण साव। क्लियर है? ऐसे 2 उपमुख्यमंत्री हमारे छत्तीसगढ़ में बनाए गए, एक थे विजय शर्मा और एक अरुण साव, और मुख्यमंत्री हैं विष्णु देव साय। यहां से क्वेश्चन बनना है। क्लियर है? ठीक। ये था हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में जहां पर चुनाव हुआ। इसके अलावा अन्य 4 राज्यों में क्या हुआ, आइए उसे भी जान लेते हैं। तो अन्य 4 राज्यों की अगर बात करें तो अगला इंपॉर्टेंट राज्य है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में याद रखिएगा विधानसभा सीट पूछी जाएंगी, आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में जैसे 90, तो मध्य प्रदेश में कितना, तो मध्य प्रदेश में 230 सीटों में चुनाव हुआ। क्लियर है? ठीक। मतदान की अगर बात करें तो यहां 1 चरण में चुनाव हुआ और यह चुनाव हुआ था 17 नवंबर को इलेक्शन हुआ और 3 दिसंबर को यहां पर भी मतगणना हुई थी। यहां पर जिस पार्टी को बहुमत मिला वह पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, मतलब छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बहुमत मिला था और मध्य प्रदेश में भी, और मध्य प्रदेश में लगभग बीजेपी को 163 सीटें प्राप्त हुई और कांग्रेस को मिला 66 और अन्य को यहां पर अन्य खाते में 1 सीट चली गई। क्लियर है? मध्य प्रदेश में अगर बात करें जो मुख्यमंत्री बने उनका नाम है श्री मोहन यादव जी को यहां पर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि छत्तीसगढ़ में तो 2 उपमुख्यमंत्री बनाए गए, वैसे ही मध्य प्रदेश में 2 उपमुख्यमंत्री कौन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। क्लियर है? क्योंकि यह प्रश्न बनेगा। मुख्यमंत्री का नाम तो सभी को याद रहेगा बट उप मुख्यमंत्री में कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आप उसे याद रखिएगा। क्लियर है? ठीक। चलिए वैसे आते हैं हम राजस्थान में। ठीक। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में 200 सीटों पर चुनाव हुआ। क्लियर है? छत्तीसगढ़ में कितनी सीटों पर, 90। मध्य प्रदेश में 230। क्लियर है? राजस्थान में 200। ये डेटा बिल्कुल आपको याद रखना, मैं बार बार इस चीज पर जोर दे रहा हूं और इसी चीजों का इसी तरीके से हम आपको याद करवाएंगे, बार बार
जो आपको याद करने वाली चीजें हैं वो आपको क्लासरूम में याद करवा दी जाएगी। इसीलिए आप फ्री करंट अफेयर की क्लासेस आपको करवाई जा रही है। जब आप क्लासरूम में आएंगे तो इन्हीं सब डेटा को बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको घर जाकर बार में रिविजन ना करना पड़े और एग्जाम में डायरेक्ट आप जाए और यहां पर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें। इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे, प्रश्न आएंगे, क्लियर है यहां तक चीजें? ठीक। तो 23 नवंबर को यहां पर मतदान हुआ और 3 दिसंबर को यहां पर मतगणना की गई। ठीक। यहां पर भी अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 114 सीटों के साथ बहुमत में आ गई, क्लियर है, यानी वह जीत गई, और कांग्रेस को मिला 69 और अन्य को 15 सीटें प्राप्त हुई। और यहां मुख्यमंत्री बनाया गया श्री भजन लाल शर्मा जी को। श्री भजन लाल शर्मा जी यहां राजस्थान में मुख्यमंत्री बने। ठीक। अब जैसे छत्तीसगढ़ में 2 उप मुख्यमंत्री बने, राजस्थान में भी 2 उप मुख्यमंत्री बने। कमेंट सेक्शन में आपको मध्य प्रदेश के बारे में जैसे मैंने पूछा, वैसे ही आप राजस्थान के 2 उप मुख्यमंत्री के नाम भी बताएंगे, क्लियर है, कि भजन लाल शर्मा के अलावा 2 उप मुख्यमंत्री किन्हें बनाया गया, यह प्रश्न आपके बनेंगे, क्लियर है। ठीक। तो हमारे पास तीसरा राज्य क्या था? राजस्थान। पहला था छत्तीसगढ़, जहां पर 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ, जहां के मुख्यमंत्री कौन थे बताइए? तो वहां पर मुख्यमंत्री थे विष्णुदेव साय। उसके बाद हमको देखने मिले मध्य प्रदेश में, हम गए मध्य प्रदेश में 230 सीटों में चुनाव हुए। 230 सीटों में चुनाव जो हुआ उसमें बीजेपी को यहां पर बहुमत मिला और बीजेपी की तरफ से श्री मोहन यादव यहां पर क्या बने? मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा तीसरा जो राज्य हम देख रहे हैं राजस्थान, सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पर तीन राज्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे पूछे जाएंगे प्रश्न। यहां पर 200 सीटों में यहां पर चुनाव हुए और चुनाव में श्री भजन लाल शर्मा यहां पर क्या हुए? मुख्यमंत्री बने, क्लियर है। ठीक। अगला आप आते हैं छत्तीसगढ़ से लगे हुए तेलंगाना की तरफ। तेलंगाना में चुनाव हुए। ठीक। तेलंगाना में जो है लगभग 119 सीटों पर चुनाव हुए, 119। यहां की विधानसभा की सीटें कितनी है? 119। इसके अलावा मतगणना की हम बात करें तो मतगणना और चुनाव जो हुआ था, यहां मतदान हुआ था 30 नवंबर को, मतगणना हुई 3 दिसंबर को, जहां पर अगर हम बात करें यहां पर बीजेपी को 8 सीटें प्राप्त हुई, यानी बहुमत में यहां बीजेपी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को यहां पर कम सीटें प्राप्त हुई। कांग्रेस को यहां पर बहुमत प्राप्त हुआ, 64 सीटें इसे मिली हैं, 64 सीटें इसे प्राप्त हुई, 64 सीटें। साथ ही साथ बीआरएस, भारतीय राष्ट्र समिति, बीआरएस, इस ये पार्टी जो है सत्ता रूढ़ पार्टी थी, यह चुनाव हार गई और इन्हें 39 सीटें प्राप्त हुई। अन्य के खाते में यहां पर 8 सीटें गई। और क्योंकि भाई यहां पर कांग्रेस को बहुमत मिला है, तो कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री बने उनका नाम है यहां पर श्री रेवंत रेड्डी। नाम याद रखेंगे, बहुत बार बार आपको याद रखना है, बार बार रिवीजन करेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री बने वो कौन बने? श्री रेवंत रेड्डी बने, क्लियर है यहां तक चीजें। तो डेटा जो है, डेटा के साथ साथ मैं बोल रहा हूं, जैसे आपको सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है? विधानसभा सीट याद रखनी है। उसके बाद आप याद रखेंगे जो पार्टी जीती है उसके बारे में पूछा जाएगा कि उसे कितनी सीटें प्राप्त हुई, 64 सीटें प्राप्त हुई। इसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई किनको मुख्यमंत्री बनाया गया, तो श्री रेवंत रेड्डी को यहां पर क्या बनाया गया? मुख्यमंत्री बनाया गया। ऐसे करते हुए हमने 4 राज्यों को देख लिया, एक छत्तीसगढ़ देखा हमने, राजस्थान देखा, मध्य प्रदेश देखा और चौथा था तेलंगाना। चलिए एक बार विधानसभा सीटों के बारे में बताइए, कितने कितने विधानसभा सीटें थी? तो छत्तीसगढ़ में कितने विधानसभा सीटें थी? 90। इसके अलावा हम बात करें मध्य प्रदेश में तो 230 विधानसभा सीट थी। और उसके बाद राजस्थान में जब हम आते हैं तो राजस्थान में हमको 200 सीटें देखने को मिलती है, डन। और यहां पर जब तेलंगाना में आते हैं तो तेलंगाना में 119 सीटें। मुख्यमंत्री को अगर रिवाइज कर ले तो छत्तीसगढ़ में बताइए श्री विष्णुदेव साय, वहीं अगर मध्य प्रदेश में आए तो कौन है वहां पर मुख्यमंत्री? मोहन यादव जी। उसके बाद हम राजस्थान की तरफ गए तो भजन लाल शर्मा जी, और तेलंगाना की बात करें तो श्री रेवंत रेड्डी जी को क्या बनाया गया? यहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया, जो कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला, यानी 3 राज्यों में, कहां मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी गई, और एक यह जो राज्य है यहां तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी। ठीक। इसके अलावा जो अन्य सरकार जो बनी है विधानसभा चुनाव में, जहां चुनाव हुआ वह था मिजोरम। मिजोरम में चुनाव हुआ और मिजोरम में 40 सीटों पर यहां चुनाव देखने को मिला, और यहां पर मतदान हुआ था 7 नवंबर को और 3 दिसंबर को यहां पर भी मतगणना की गई। यहां हम बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस किसी को बहुमत यहां पर प्रॉपर प्राप्त नहीं हुई। यहां पर ZPM की 27 सीटें इन्हें मिली और उनके ही मुख्यमंत्री बनाए गए, जिनका नाम था श्री लाल धुम्बा।
श्री लाल धुमा यहां पर मुख्यमंत्री बने। क्लियर है? ठीक। तो यहां पर हम बात करें तो ये पांच राज्यों के बारे में ऐसी हमने चर्चाएं की हैं। ऐसी ही क्लासेस हम जो आपके लिए फ्री उपलब्ध कराने वाले हैं, जो आप दुर्ग में आ सकते हैं, कॉम्पिटिशन कम्युनिटी दुर्ग में, और कॉम्पिटिशन कम्युनिटी दुर्ग में आकर ऐसे करंट अफेयर की क्लासेस को आप अटेंड कर सकते हैं। याद रखिएगा 11 और 12 जनवरी को राष्ट्रीय करंट अफेयर की क्लासेस होंगे, 15 और 16 को आपके छत्तीसगढ़ की क्लासेस होंगी। साथ ही साथ याद रखिए सीजीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज के लिए भी आप कॉम्पिटिशन कम्युनिटी दुर्ग में आकर रजिस्टर करवा सकते हैं, और उसका सिलेबस मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि क्या क्या सिलेबस होगा, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी टेस्ट होंगी। अगर सिलेबस को आप देखना चाहते हैं तो कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के ऐप को डाउनलोड कीजिए, और ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको संपूर्ण जानकारी वहां पर मिल जाएगी, बट रजिस्ट्रेशन आपको दुर्ग में करवाना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। याद रखिएगा एक और पॉइंट की ऑफलाइन रहेगी, ऑफलाइन, ये भी बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ठीक। तो इसी के साथ यह वीडियो हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।